स्टूडेंट्स, ये वो लेक्चर है जो आपका लाइव हुआ था जूम के थ्रू। इसे एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, हम देखते हैं कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, किस तरह से वर्किंग होती है। जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे, हम ऐसा मान रहे हैं कि इनिशियली ये कैपेसिटर्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे जब हमने स्विच को क्लोज किया, तो क्लोज करते ही हमें मालूम है बैटरी चार्जेस की सप्लाई शुरू करेगी। यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, बाकी आगे जाएंगे, सब आगे जाएंगे, इसके पास कुछ नेगेटिव, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो यहाँ पहुँच जाएंगे, तो ये पॉजिटिव, ये उतना ही नेगेटिव, इसके पास जो नेगेटिव आया उसकी वजह से यहाँ से उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये उतना ही पॉजिटिव, इस टर्मिनल ने जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए इसने उतने ही इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, इसने जो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए वो इसने गेन किए, उसकी वजह से इसके पास आया माइनस क्यू चार्ज। स्टेडी स्टेट तक आने में सब थोड़ा थोड़ा करते करते बढ़ते बढ़ते माइनस क्यू हो गया, इसके बाद हम मान रहे हैं स्टेडी स्टेट आ गई, करंट का फ्लो रुक गया। इस पर माइनस क्यू आया तो इस पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पर प्लस क्यू आने के लिए माइनस क्यू उसमें से निकल करके यहां पहुंच गया, ये माइनस क्यू आ गया, ये प्लस क्यू आ गया। अब आप देख रहे हो कि दोनों कैपेसिटर्स के पास जो चार्ज है वो क्यू ईच है। हमें मालूम है कैपेसिटर के पास चार्ज क्या होता है, अगर दोनों प्लेट्स पे इक्वल चार्ज है तो उस केस में, मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल, नेचर तो ऑपोजिट है, तो हम किसी भी एक प्लेट के चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, वो चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर होता है। अगर अनइक्वल चार्ज हो, लेटर ऑन आएंगे हमारे पास सिचुएशंस, तो हम ये सोचेंगे कि अगर हम दोनों प्लेट्स को आपस में कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें तो इनके बीच में कितना चार्ज फ्लो करेगा, वो जितना भी चार्ज फ्लो करेगा वो मान लिया जाएगा कि वो चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर है। यानी कि अगर दोनों प्लेट्स को कनेक्ट नहीं करना है, हम सिर्फ अज्यूम करेंगे कि अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, कितना चार्ज फ्लो करेगा, जितना चार्ज फ्लो करेगा वो चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर, यानी कि उस चार्ज का बेसिकली मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी द चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। तो अब ये स्टेडी स्टेट आ गई। हम कहते हैं कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है अगर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेसिटेंस यानी कि C1 और C2 इक्वल हो सकते हैं, से दोनों दो दो माइक्रोफेरेड के, या अनइक्वल भी हो सकते हैं, ये 5 माइक्रोफेरेड का है, ये 7 माइक्रोफेरेड का है, तो अनइक्वल हो गए, चाहे इनकी वैल्यूज इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, लेकिन अगर ये चार्ज जो स्टोर करते हैं वो इक्वल स्टोर करते हैं तो हम ऐसे केस में कहते हैं कि ये कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो कैपेसिटर्स कब सीरीज में कनेक्टेड कहलाएंगे, व्हेन दे स्टोर इक्वल चार्ज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस, ठीक है ना। अब देखो जितना चार्ज इसने दिया माइनस क्यू उतना इसने लिया, इसके पास माइनस क्यू आया उतना ही पॉजिटिव इस पे आया, उतना ही नेगेटिव इस पे, उतना ही पॉजिटिव इस पे। अब एक चीज समझते हैं, इक्विवेलेंट क्या कैपेसिटेंस क्या होती है। मान लो इन दोनों कैपेसिटर्स को हम हटा दें, जब ये दोनों कैपेसिटर्स प्रेजेंट थे तो इसने कितना चार्ज दिया, इसने दिया माइनस क्यू, इसको मिला कितना माइनस क्यू, जितना एक जगह दिया दूसरा उतनी जगह रिसीव किया। ये बैटरी की स्पेशलिटी है, जब भी आप डीसी सोर्स लगाओगे एक टर्मिनल पे जितना देगी वो दूसरे टर्मिनल पे उतना ही रिसीव करेगी उसी इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर इन दोनों को हम हटा दें और एक न्यूट्रल कैपेसिटर इस बैटरी के अक्रॉस, इस सोर्स के अक्रॉस, इस सेल के अक्रॉस कनेक्ट कर दें और इस स्विच को क्लोज करें और स्टेडी स्टेट आने के लिए ये टर्मिनल माइनस क्यू चार्ज दे और ये टर्मिनल प्लस माइनस क्यू चार्ज रिसीव करे, तो ऐसे केस में उस अकेले कैपेसिटर को हम इन दोनों का इक्विवेलेंट कहेंगे। यानी कि एक कैपेसिटर लगा दिया हमने, ये स्विच हो गया, ये बैटरी हो गई, इस स्विच को जब हमने क्लोज किया तो स्टेडी स्टेट आने के लिए इसने दिया माइनस क्यू चार्ज, वो इसे मिला माइनस क्यू चार्ज, इसने दिया इसको माइनस क्यू चार्ज, वो माइनस क्यू चार्ज इसको मिला माइनस क्यू चार्ज। इसका मतलब इस प्लेट के पास आया ये वाला चार्ज, यहां का था, यहां लिख देता हूं इसको, माइनस क्यू चार्ज गया, ठीक, इस प्लेट के पास माइनस क्यू आया था तो ये माइनस क्यू का चार्ज हो गया इसके पास, इस प्लेट के पास, और इस प्लेट से माइनस क्यू गया था तो इसके पास प्लस क्यू का चार्ज हो गया। अब आप देख रहे हो कि जितना इन दोनों की प्रेजेंस में इस बैटरी ने चार्ज सर्कुलेट किया था उतना ही अभी भी सर्कुलेट किया है, तो ये अकेला कैपेसिटर से इसकी वैल्यू सी है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कहलाएगा और इसकी कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगी।
तो चलिए जरा देखते हैं इस फिगर से, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो वी वन है, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी वन है और इसके बीच का वी टू है, यानी कि यहां से यहां तक जाएंगे तो वी वन कम हो गया, फिर इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यहां से आ गए वी टू और कम हो गया, तो यहां से यहां आने में जो टोटल कमी हुई वो वी वन प्लस वी टू की हुई, और ऐसे ही अगर हम इस पाथ से जाएं तो इसी के अक्रॉस कम होगा और वो ये कम होगा वी, तो वी हो गया हमारे पास वी वन प्लस वी टू। इस फिगर से हम वी की वैल्यू रखते हैं, ये वी तो वही है जो यहां था, तो हम यहां से भी इसकी वैल्यू रख सकते हैं, यहां से इस वी की वैल्यू हो गई क्यू अपॉन सी, और यहां से वी वन की वैल्यू लिखे तो इस कैपेसिटर की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ये हो गया क्यू अपॉन सी वन, और ऐसे ही ये हो गया हमारे पास वी टू की वैल्यू यहां से क्यू अपॉन सी टू। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो हमें मिलता है वन अपॉन सी इक्वल्स टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू। ये जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला रहेगा। इसके लिए मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, एक बार रिकॉल करा दूं, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी है उसकी वैल्यू जो है वो छोटी होगी, किससे छोटी होगी, जितने भी कैपेसिटर्स आपने सीरीज में कनेक्ट किए होंगे, C1 कनेक्ट किया था उसके साथ C2 सीरीज में कनेक्टेड था उसके साथ C3 कनेक्टेड था, ऐसे करते करते आपने n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स किए थे, तो क्या होगा इसकी वैल्यू उनमें से हर एक से छोटी होगी, तो अच्छा होगा हम बोले कि जो इनमें से सबसे छोटा होगा उससे भी छोटी है इसकी वैल्यू, तो बाकी ऑटोमेटिकली सबसे तो छोटी हो ही जाएगी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर सीरीज में क्या होती है, लेस देन द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर हैविंग स्मॉलेस्ट वैल्यू कनेक्टेड इन सीरीज, उससे भी छोटी होती है। अगर दो कैपेसिटर्स हैं हमारे पास जिन्हें हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एक की वैल्यू बड़ी है दूसरे की छोटी है, तो हम सीरीज के रिजल्ट के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़े वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू अपॉन एन प्लस वन। यहां पे एन क्या है, ये एन जो है वो सी बिग अपॉन सी स्मॉल है। जैसे मान लो ये दो कैपेसिटर हैं, इस कैपेसिटर की वैल्यू मैं मान लेता हूं 6 माइक्रोफेराड है, इस कैपेसिटर की वैल्यू मैं मान लेता हूं 3 माइक्रोफेराड है, बड़ा कौन सा हो गया दोनों में से, 6 माइक्रोफेराड वाला, तो सी बिग की जगह 6 माइक्रोफेराड लिख दिया मैंने। अब कहा एन, एन क्या था, सी बिग अपॉन सी स्मॉल, 6 माइक्रोफेराड डिवाइडेड बाई 3 माइक्रोफेराड, ये दो आ गया, 2 प्लस 1 कर दिया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 माइक्रोफेराड की, यानी कि हमारे को इस तरह से मिल गया वैल्यू। इसी तरह अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स हो जाए और वो सब आइडेंटिकल हो, यानी कि सबकी कैपेसिटेंसेस इक्वल हो, तो C इक्विवेलेंट जो होगा, n कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस सबकी इक्वल है, तो उस समय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, जब ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड है, सी बाय एन। जैसे मान लो मैं 10 10 माइक्रोफेराड के 10 कैपेसिटर कनेक्ट कर दूं आपस में, तो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया मेरे पास, ये माइक्रोफेराड में था, इसका कोई यूनिट नहीं था, तो 1 माइक्रोफेराड आ गया। सपोज 10 10 माइक्रोफेराड के मैंने 5 कनेक्ट कर दिए, तो 10 माइक्रोफेराड डिवाइडेड बाय 5, 2 माइक्रोफेराड आ गया। तो अगर आप n कैपेसिटर्स आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैन बी गिवन बाय द वैल्यू ऑफ वन कैपेसिटर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और इसका, अब अगर आप देखो ये वैल्यू मैंने V1 की लिखी है, ये मैंने V2 की लिखी है, अगर मैं V1 अपॉन V2 निकालने की बात करूं, V1 अपॉन V2, तो मैंने V1 की जगह Q बाय C1 लिखा और इसकी जगह Q बाय C2 लिखा, तो ये बन गया मेरे पास C2 अपॉन C1। इसका मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप जो है सीरीज में कनेक्टेड कैपेसिटर्स के अक्रॉस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटेंसेस है। जैसे मान लो ये बैटरी 18 वोल्ट की हो जाए और इसको 6 माइक्रोफेराड, इसको 3 माइक्रोफेराड मान लेते हैं, अब इन दोनों कैपेसिटेंस का रेशियो क्या हो गया, 2:1, तो जो तो रेशियो बन रहा है सिंगल डिजिट, उन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं, 2 प्लस 1 3 हो गया। इस 18 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 6 6 6, उसमें से एक पार्ट बड़े के अक्रॉस ड्रॉप होगा
दो पार्ट छोटे वाले के अक्रॉस ड्रॉप होंगे, यानी कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसका एक पार्ट लिया तो यहां का ड्रॉप आया मेरे पास 6 वोल्ट का, इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप आएगा, 6-6 वाले दो एक साथ ले लिए 12 वोल्ट का, टोटल ड्रॉप उतना ही होगा जितना बैटरी के अक्रॉस है हमारे पास। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटेंसेस व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना। पोटेंशियल ड्रॉप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होगा अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हुए। तो ये हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए।